एकदम ना बोल है फिर से कहने नींद नींद नहीं मुझे नहीं जरा पेन हो रहा है सड़ी है रे तड़े जाएगा कुछ नहीं तड़ा रहेगा कुछ नहीं आपकी मैं आपकी सच में ना पक्की वाली मरीद नहीं बनना चाहती हूं आज कोई गल नहीं होनी बना लेने आज आज परे कर चाची कितने दिन चुकला 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 कितने दिन का चिल्ला होगा आधे घंटे का ये रॉन्ग नंबर है 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 मरी की मारूफ रूहानी और पाक दरगाह के गद्दी नशीन की खातून से नाजेबा हरकात और गैर अखलाकी वीडियोस का मामला एक के बाद दूसरी चौंका देने वाली वीडियो ने कई सवालात जन्म ले लिए। इस वीडियो में हम आपको तमाम तर हकायक से आगाह करने की कोशिश करेंगे ताकि तमाम सवालों के जवाब आवाम को मिल सकें। आपको ये भी बताना जरूरी है कि रोजनामा ताश ने हमेशा ऐसे अनासिर को बेनकाब किया जो मुआशरे के लिए नासूर बनते हैं। मुकद्दस दरबारों और दरगाहों की आड़ में औरतों की इज्जत से खिलवाड़ मामूल बन चुका है। इस तरह का एक और मामला मरी की मारूफ रूहानी और पाक दरगाह बाबा लाल शाह सुरासी के गद्दी नशीन सैयद नवीदुल हसनैन के हवाले से पेश आया। इन हकायक का पर्दा फाश करने से कबल ताश टीम ने हजारों बार सोचा क्योंकि बात है इस मर्तबा मरी की पाक दरगाह बाबा लाल शाह सरकार की। इससे भी बढ़कर जब नाम के साथ सैयद लगा हो तो यकीनी तौर पर दिल कांप जाता है। तहम कोई मजहब फिरका या गद्दी अपने पैरोकारों के जज्बात और औरतों की इज्जतों से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देता। रोजमा ताश के रिपोर्टर को एक ऐसी वीडियो मौसूल हुई जिसमे गद्दी नशीन सैयद नवीदुल हसनैन की नाजेबा हरकत वाजे है जो किसी भी तरह से इखलाकी नहीं। पीर नवीदुल हसनैन बता रहा है कि खांसी की दवाई के तौर पर शराब की बोतल की तरफ इशारा कर रहा है। ना पूछ जी अपने खांसी की दवाई तो सानो ना 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 बच्चा ना पीरा दी चीजा नु हाथ नहीं लाई दे नहीं शाजी ओ छोटी जी बोतल आई थिंक ब्रांडी है है हां शाजी ए ए कफ सिरप है ए पेप्सी है तेरे दिखाई ना कोसा कफ सिरप पिए थे आपको ए ए कफ सिरप है दिखाई ना अब देखें पीर साहब फैज और दम करने के बारे में भी बता रहे हैं और तो और पाक और मुकद्दस बैयत करने के अमल की भी किस तरह से तजलील की जा रही है। शाजी दम कौन एकदम ना कौन है फिर से पेन हो रहा है इस वीडियो में पीर सैयद नवीदुल हसनैन के काले करतूत खुलकर सामने आ चुके हैं। ये और इस तरह की बहुत सारी और वीडियोस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये शख्स खुद को पीर कहलवाने के लायक नहीं। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई अपने जवान बेटे और बेटियों को इन जिंसी दरिंदों के आस्थानों पर बतौर खिदमतगार छोड़ देते हैं। ताश टीम ने मामले का मौकफ जानने के लिए नवीदुल हसनैन से राबता करने की कोशिश की मगर मौसूफ ने टाल मटोल से काम लिया। बजाय शर्मिंदगी और नदामत के पीर नवीदुल हसनैन ने रोजनामा ताश के नुमाइंदा नवीद निसार के खिलाफ एफआईए के साथ मिली भगत और साज बाज करते हुए झूठी और बेबुनियाद इल्जामात पर मबनी एफआईआर दर्ज करवाई जिसकी मजम्मत मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों ने की। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सहाफती तंजीमों ने झूठी और बेबुनियाद इल्जामात पर मबनी एफआईआर के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया जिस पर वजीर दाखला शेह रशीद ने नोटिस लेते हुए रोजनामा ताश के रिपोर्टर नवीद निसार अब्बासी के खिलाफ एफआईआर खारिज करते हुए मामले की इंक्वायरी करते हुए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। इस सारे मामले को देखकर यकीनी तौर पर मरी की इस पाक दरगाह के मुरीदीन और अकीदतमंदों की दिल आजारी तो जरूर हुई होगी मगर सच्चाई से पर्दा फाश करना भी जरूरी था। रोजनामा ताश और मेरे साथी रिपोर्टर नवीद निसार अब्बासी को संगीन नतज की धमकियों का सिलसिला जारी है। इस वीडियो के बाद मुझे भी किन धमकियों का सामना करना पड़ेगा इसका जवाब मैं यूं दूंगा। हक बात पे कटती है तो कट जाए जबान मेरी हक बात पे कटती है तो कट जाए जबान मेरी हक बात कहने से डरता नहीं हूं मैं। ये रॉन्ग नंबर है।